अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई अकेडी मदनपुर गांव में बैठा हूं और हमारे साथ हरियाणा प्रदेश की स्टार रागिनी कलाकार संगीता जांगड़ा जी जुड़ गए हैं। एक प्यारा सा इंटरव्यू आप लोगों को सुनाएंगे। तो सबसे पहले तो जी संगीता जी नमस्ते। नमस्ते पवन जी, ठीक हो? पत्ती बढ़िया, अपनी सुनाओ। मैं भी बढ़िया। जैसे कि भाई आप देखते रहते हो अभी मनु मूवीज के माध्यम से हम अलग अलग इंटरव्यू डेली कोई ना कोई इंटरव्यू लेके आते हैं, तो उसी कड़ी में आज आपका एक प्यारा सा इंटरव्यू है, आपके बारे में ही जानना है। सबसे पहले कौन है संगीता जांगड़ा, एक बार प्लीज बताओ हमारे दर्शकों। भाई सबसे पहले तो अभी मनु मूवीज देखने वाले सारे दर्शकों ने आपके अपने संगीता जांगड़ा की तरफ से प्यार भरी राम राम है। संगीता जांगड़ा जी एक आम सी लड़की है, कोई अलग तो नहीं, गांव की लड़की है, गांव में पैदा हुई है, बस यहीं से पढ़ाई लिखाई शुरू हुई है और बस रागनी कार्यक्रम करते हैं, जागरण करते हैं, वो आप सब जानते ही हो। कितनी पढ़ाई लिखाई हुई जी? ग्रेजुएशन कर रखी है सर मैंने। फिर रागनियों में कैसे घुसे, मतलब कहाँ से मन बना के रागनी गाऊं? सही बताऊं तो यो सपना मेरी माँ का था। मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं कलाकार बनूं और जब जिस टाइम मैं पेट में थी मेरी माँ बहुत रागनी सुना करती, मास्टर जिया की, करमपाल जिया की, शौक तो दरअसल उनका था। फिर मैंने धीरे धीरे जैसे स्कूल से प्रार्थना वगैरह करते थे, प्रार्थना करते थे, फिर गांव में मंदिर था उसमें कभी कभी जागरण होता तो भजन वगैरह गा लेते थे, तो ऐसे से धीरे धीरे एक रुड़ियावास है हमारे गांव के आसपास, वहां प्रोग्राम हुआ था जागरण का, उस जागरण में मैंने सोचा कि मैं भी एक भजन गा के देख लूँ। मैंने भजन गाया, दर्शकों को पसंद आया, ऐसे धीरे धीरे फिर जागरण में जाना शुरू कर दिया और जागरण से प्रोग्राम जागरण का ही था, दारोएड़ा के पास में, वहां आए हुए थे राजेंद्र खरकिया जी, वीरपाल खरकिया जी, राकेश ओरान जी, फलेराम जी थे वो, वहां मैंने जागरण का कार्यक्रम किया तो राजेंद्र खरकिया जी को बहुत पसंद आया वो कार्यक्रम और राजेंद्र जी ने बोला कि संगीता जी आप रागनी भी एक बार ट्राई करके देखो, बस उनके कहने से मैंने शुरू कर दिया। किनके शिष्य हो आप? मेरे शिष्य प्रथम गुरु तो मेरी माता जी हैं और उसके बाद में इस फील्ड के गुरु जी राकेश कलोहिया जी। राकेश कलोहिया की शिष्य हो आप जी? तो कितनी उम्र थी तब गाना स्टार्ट कर दिया था लगभग? गाना शुरू करा तो उम्र थी 16-17 साल। तो स्टार्टिंग जो बेस था, स्ट्रगल था, वो कितना रहा? स्ट्रगल तो शुरू में मेरे अकॉर्डिंग तो सभी लड़कियों को होता है, चाहे कोई भी फील्ड हो, लड़की के लिए तो हर एक फील्ड मुश्किल ही होती है। शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई थी, 3-4 साल घर वालों को मनाते मनाते लग गया था, घर परिवार वालों को। माँ तो राजी थी? माँ राजी थी, पापा राजी नहीं थे, जैसे दादी वगैरह, ताऊ वगैरह वो खुश नहीं थे, तो जब तक वो खुश नहीं थे तक अकेली माँ भी क्या करती, तो धीरे धीरे उनको मनाने में लगा 3-4 साल, उसके बाद में सब सेट है, अब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। फेवरेट कलाकार कौन है आपका, जिसकी कोई जेंट्स एक फेवरेट कलाकार बताओ? जेंट्स तो मास्टर सतबीर जी, पाले राम जी। क्यों, वो दोनों क्यों? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो मास्टर जी की जो गायकी थी, जो उन्होंने ठोस जो हरियाणवी संस्कृति की रागनी जो बोलते हैं जो उन्होंने गाया है, और पाले राम जी जिनकी आवाज बहुत ज्यादा सुरीली थी, आज तक मुझे उन जितना सुरीला कलाकार मैंने नहीं देखा इस फील्ड में। जब जागरण किया करते तो एक अलग साज, लेकिन जब रागनियों में आए तो एक अलग साज हुआ, कैसे एडजस्ट करें? एडजस्ट तो देखो ताल तो सेम ही होती है जी, म्यूजिक भी वही सेम ही होता है, बस मन में ही थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है, थोड़ा सी शुरू में दिक्कत आई थी, उसके बाद में धीरे धीरे शुरू हो गई और फिर कुछ उस्ताद लोग भी मेरे अच्छे थे जिन्होंने अच्छा साथ दिया, अच्छा सिखाया भी। अच्छा, पहला रागनी प्रोग्राम कब किया याद है? पहला रागनी कार्यक्रम किया था मैंने ये दादरी के पास में खेड़ी गाँव, हाँ वहाँ पे मेरा पहला रागनी प्रोग्राम था। अकेले का था या डूट का प्रोग्राम? नहीं और भी कलाकार आए हुए थे, उन सब की एंट्री थी। अपने मजा जागरण में आया या रागनियों में आया? दोनों चीजों में आया। बेस्ट कौन सा रहा? बेस्ट तो अगर मैं देखूं तो मेरा तो रागनी फील्ड है जी। सबसे ज्यादा किस कवि की रागनियां गाई? मैंने वैसे तो मोस्टली मैं सभी की गाती हूँ, लेकिन ज्यादातर मैंने मांगेराम जी की, लक्ष्मीचंद जी की और मेहर सिंह जी की गाई जी। अच्छा देखिए, एक लड़की के लिए उस दौर में जब राजेंद्र जी गाया करते, बीरपाल जी थे उस टाइम पे, तो एक लड़की के लिए स्टेज बड़ा भारी वैर था, क्योंकि जनसंख्या जो रागनी कलाकार जो श्रोता वैर थे वो बहुत ज्यादा वैर थे, कैसे एडजस्ट करें?
पता नहीं जी, मैं शुरू से माता सरस्वती की मेरे पे कृपा रही है। मैं जब मेरा पहला स्टेज था ना, उसमें संख्या हो गई मतलब 20-30 हज़ार लोग होंगे, और मेरा फर्स्ट कार्यक्रम था, लेकिन उस दौरान भी मेरे को माता सरस्वती की दया से मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मतलब मुझे ये नहीं लगा कि मैं पहली बार कार्यक्रम कर रही ये हूँ, सोच के मतलब स्टेज पर खड़े हुए थे आज क्या गाना है? ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने। अगर यूं देखा जाए कि मैं पहले सोच के जाऊं, बस वहां जैसा माहौल मेरे को मिला उसके अकॉर्डिंग मैंने कार्यक्रम किया। मतलब क्या देखते हैं आप, माहौल, पब्लिक की नब्ज कैसे पकड़ते हैं, मुझको क्या सुनाना चाहिए? क्या सुनाना चाहिए? जैसे वैसे तो मेरी डिमांड होती है, मेरे से सब डिमांड करते हैं कि जी आप देसी रागनी सुनाओ, आपका देसी जो लुक है ना वो अच्छा लगता है, आपकी वोकल पे देसी रागनी शूट होती है, तो मैं देसी रागनी गाती हूँ और लोग वो मेरी पसंद भी करते हैं। आप कौन से सुर में गाते हैं ज्यादातर, मोस्टली? वो हर एक रागनी का अलग होता है जी, हर जैसे एक वैसे रंग आप जैसे। कैसे ऊंचा गाना पसंद करते हो या मीडियम या आराम से गाना? देखो गाना तो ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक को समझ में भी आए, उनको अच्छा भी लगे। बाकी जो अपनी रागनियां होती है ना वो उच्चे सुर में ही अच्छी लगती है पवन जी। अच्छा, महिला कलाकार भी कोई फेवरेट है आपकी, किसको सुनना पसंद करते हो? संगीता जांगड़ा के अलावा जब किसी रागनी के सुनने का मन हो जाए तो किसकी सुनते हो? नीलम जी की, पासी जी की, उनके साथ गाया हाँ एज ए कंपेटर, मतलब कंपटीशन में गाया बिल्कुल, आपने, कंपटीशन में भी गाया जी, रंगकाट भी हुआ है, असली वाला रंगकाट भी हुआ है। असली नकली का बड़ा जिक्र कर दिया आपने। तो असली क्या मतलब परिभाषा है असली और नकली? और नकली, देखो असली रंगकाट वो होता है कि जिसमें कलाकार को पता नहीं होता हमारे सामने वाला कलाकार क्या गाएगा, हमें उसके अकॉर्डिंग गाना पड़ता है। और नकली तो वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन यूं होता है कि उसमें थोड़ा सा बता दिया जाता है कि भाई मैं ये गाऊंगा, वो थोड़ा सा मिलजुल के हो जाता है, और असली नकली ऐसा कुछ नहीं तो होता। आपको कौन सा पसंद, असली या मिलजुल का है? भाई दोनों का अपना स्वाद है, बाकी तो असली अच्छा लगता है, उसमें पता भी चलता है पहली कितना बार जोर है। असली कंपटीशन कहाँ हुआ था, याद है आपको? कि आप आज राम का नाम लेकर नू गए थे, वह आज कोई फंस जा। इस राणा के पास में मांडी गांव है जी, वहां दर्शक इतनी ज्यादा संख्या में आते हैं, बहुत है। मतलब यूं लगा लो वहां पे करीम कलाकारों को ही बुलाया जाता है। मेरे को वहां पे थोड़ा यूं लगा था भाई आज थोड़ा देख के गाना तो उस दिन अपने आपको पड़ेगा। क्रीम लगा था कि आज हाँ क्रीम हूँ, आज उस दिन मैंने यूं लगा था कि हाँ भाई मैं भी अच्छे मतलब कलाकारों अच्छे में जुड़ कलाकारों गई। में मैं जुड़ गई हूँ। अच्छा, हाँ तो क्या गाया वहां पे? वहां पे रागनी गाई, और वहां पे थी पासी नैयर जी, और पासी नैयर जी ने जैसे मतलब कोई हमदर्दी नहीं दिखाई थी, वो जितना ऊंचा वो गा सकते थे उन्होंने उतना ऊंचा गाया था, सारा जोर कती मतलब कती पंजा ताड़ बिल्कुल कती होगी। पंजा के तान हो गई थी जी। उन्होंने रागनी गाई थी वो रंग है तेरे प्यार की तमन्ना, और मैं उसको चौथे स्वर से गाती थी लेकिन उन्होंने पांचवें स्वर से गाया था, और स्वर बहुत ऊंचा होता है वो तो गाना। आपने गाई फिर पांचवी पे, तो बिल्कुल गाई जी, वो रंग काट पड़ा भी है यूट्यूब पे। फिर आपने देखे पासीजियों ने जो अपना पूरा जान लगा के गाया, मतलब सीधी बात है भाई, अपना हुनर दिखाना था, आपको हराना था, तो आप भी तो सोच के गए होगे। नहीं मैं उनका हराना नहीं कह सकती कि वो मेरे को हराना चाहते थे, हो असली रंग सकता काट में तो हराना है यार, सीधी बात तो यह है, कौन पब्लिक ये चाहे कौन जीता कौन आए। जीता। हाँ पब्लिक तो अपना एंजॉय करते, लेकिन मैं उसको ये मानती हूँ कि हो सकता है वो मेरे को आगे बढ़ाना चाहते हो इसलिए उन्होंने असली रंग काट किया हो, ये भी तो हो सकता है अगर हम उसका प्लस पॉइंट ले तो। वो मेरी सोच है, मेरी राय है कि हो सकता है मेरे को आगे बढ़ाना चाह रहे हो इसलिए उन्होंने असली रंग काट किया। तो फिर आपने क्या गाया? उन्होंने रागनी शायद वो गाई थी जी घनी देर में आया से, और मैंने रागनी गाई थी तीन रोज हुए मने तड़पते, जो मेरी बहुत फेमस भी है, लोग मेरे को बार बार सुनना पसंद करते हैं उस रागनी को। देखिए जैसे स्टेज है ना, एक अजीब उलझन है, स्टेज पे हमने अच्छा परफॉर्मेंस भी देना है, स्टेज से हमने सामने वाले को खुश भी करना है, उनकी जेब से मनी भाई भी निकलवाना है, ऐसा तो जरूरी है, बिल्कुल तो उसके बिल्कुल लिए हमने अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं। हमने कई बार पटड़ी से भी जाना पड़ता है, कई बार पटड़ी से उतरना भी पड़ रहा है, कई बार गड्ढे टकराने भी पड़े हैं, सारे काम करने पड़े हैं। तो संगीता जांगड़ा कैसे ये चीजें एडजस्ट करती थी? देखो पवन जी, अगर मैं इसमें वो मतलब क्या कहूँ मैं, बड़ी बात हो जाएगी, बड़ाई वाली बात नहीं है, मैं इतना ध्यान नहीं देती, मैं इतना ही ध्यान देती हूँ कि मेरी रागनी अच्छी लगे बस। मुझे ज्यादा चुटकले भी बोलने नहीं आते कि मैं चुटकले सुना दूँ, बस मैं अपनी रागनी सुनाती हूँ, अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया देती हूँ, जो हरियाणा प्रदेश में जो होती है जैसे डोली लगाना, मतलब जो एक्टिविटीज होती है मैं उन पे ध्यान देती हूँ। अदरवाइज मतलब शुरू में एक दो बार ऐसा हुआ है कि रागनी थोड़ी सी जो अब मैं सोचती हूँ कि वो मुझे नहीं गानी चाहिए थी,
शुरू में एक दो बार मैंने गाया है, लेकिन जैसे जैसे मेरे को समझ में आया ना, फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मतलब एरी पेरी रागनी गाना बंद कर, बिल्कुल बंद कर दिया, पटरी से उतरना बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किस जेंट्स कलाकार के साथ ड्यूट करने में काफी मजा आता है आपको, या आता था पहले वालों में या अब वालों में? मेरे को सबसे ज्यादा ड्यूट करने में मजा आता है आजाद सिंह के जी साथ में। यार हुई है रागनियां बहुत बार हुई है, मोस्टली ड्यूट के कार्यक्रम मेरे और आजाद जी के हुए हैं। वैसे अमित मलिक जी के साथ भी गाया है, विकास पासोर जी के साथ भी गाया है। अच्छा, आपने आजाद का नाम डेढ़ दिन ले दिया, तो आजाद भाई से आपने ऐसी क्या क्वालिटी लगी कि आपने उनका नाम झट से लिया? उनका नाम मैंने इसलिए झट से लिया क्योंकि वो जब स्टेज पे कार्यक्रम करते हैं ना, ड्यूट का कार्यक्रम, वो बहुत सभ्य तरीके से कार्यक्रम करते हैं। अदरवाइज जो कलाकार होते हैं, वैसे अमित मलिक जी ने भी बहुत सभ्य कार्यक्रम किया है, अदरवाइज जो भी कलाकार होते हैं ना, वो इस टाइप का माहौल बना देते हैं, आप समझ ही गए होंगे। तो इसलिए मैंने आजाद जी का नाम लिया। उसको गर्मा गर्म कैस को हो, वो लोगों को गर्मा गर्म रखना पसंद करते हैं। गर्मा गर्म में मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही गलत ही है। अच्छा, क्योंकि वो गर्मा गर्म नहीं, वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हैं बातों के द्वारा। जैसे ना महिला कलाकारों का मैं पहले देखा करता, या कई बार आजकल भी जब प्रोग्राम होते हैं तो पब्लिक की तरफ इशारा करके, यो ताऊ न्यू, यो मुछाला न्यू, यो वो माहौल को गर्म करने वाली बातें या पैसे निकल वाली बात, तो संगीता जांगड़ा ऐसे कहें। वो देखो, आपके अकॉर्डिंग वो माहौल को गर्म करने वाली बात है, वो एक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी होता है कलाकार का, अपने तरफ पब्लिक को कनेक्ट करने के लिए होता है। और उससे कुछ लोग, देखो हम किसी का नाम लेंगे उस ताऊ का, तो एक बार के लिए सही, उसके चेहरे पर मुस्कान जरूर आओगी। और आज के टाइम में तो मुस्कान बहुत मुश्किल चीज है जी, स्माइल देने के लिए ये काम होता है। हाँ बिल्कुल। उनके दो चार साल उम्र बढ़ जाए बेचारा की। कितनी रागनियां याद है संगीता जी? ऐसे मैंने गिनती तो नहीं करी है जी। नहीं देखिए, क्या है कि ये जो रागनी जो है, जो ये जो संस्कृति है, इसमें लोग पता नहीं क्या ख्वाहिश या कुछ भी कैस कहें, हम ये सुनना पसंद कर रहा सुना हो, तो कुछ माल मसाला तो अपनी जेब में होना चाहिए। बिल्कुल, मोस्टली तो जिनकी डिमांड होती है, तकरीबन डिमांड पूरी करने की कोशिश होती है जी, और कर भी देते हैं। तो मतलब यूं है कि 8-10 किस्से में कर सकते हैं। कॉपी का सारा लेते को भी लेना भी पड़ जाए। मतलब पूरा रजिस्टर भरा भराया तैयार दरा है। हाँ, भरा भराया भी तैयार है और रागनियां याद भी है, लेकिन कई बार लेना पड़ता है जी, क्योंकि मैं मोस्टली बीमार रहती हूँ, मेरी दवाइयां चलती रहती हैं। सबसे बेस्ट साजनदा कौन रहा आपकी लाइफ में, वो उसने सबसे ज्यादा साथ दिया है, उसके साथ गाना जब वो बजाता है तो मजा आता है? विनोद रोना है। क्यों जी, उनका नाम भी झट से लिया आपने? मेरे साथ काफी साल काम करा जी, और सही मायने में बताऊं तो इस रागनी लाइन में निखारने वाले वही उस्ताद विनोद था और राजेश नोल था। अच्छा जी, एक और बात है, एक लड़की के लिए ना, जब अब तो आप काफी मैच्योर हर चीज को समझदार हो गए, जब स्टार्टिंग में लगे तो 16-17-18 साल 20 साल हाँ, से पहले हाँ। तो समझ नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, और भेड़िए तो नोचने वाले बहुत सारे घूमी जाओ, तो क्या कहोगे उनसे, थोड़ा बच के चलो। आपने कैसे अपना बचाव किया? मैंने जैसे अगर प्रोग्राम मेरे को पता चल जाता है भाई वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे कलाकारों के थ्रू भी पता चल जाता है, तो मैं उस प्रोग्राम को अवॉइड कर देती थी। या कई बार तो ऐसा हुआ है, पवन जी मैं आपको बताऊं, मैं प्रोग्राम में पहुंच गई और वहां का माहौल मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं वापस आ गई हूं, नहीं गाया स्टेज पे ही नहीं चढ़ी। अच्छा, कई बार ना डांस करना पड़ता है स्टेज पे, मजबूरी हो जाती है, डांस भी परफॉर्मेंस देनी पड़ा है। डांस कैसे? रागनी के साथ साथ। अच्छा, तो आपने कितना किया? भाई मैं जितना मेरे को थोड़ा बहुत आता है वो मैं कर लेती हूँ, वो जो YouTube पे आप देख ही रहे हो मेरा कितना सा करती हूँ, इतना मेरे को नहीं आता, मैं डोली ठीक लगा लेती हूँ। एक्स्ट्रा स्टेप सीखे नहीं आपने? एक्स्ट्रा स्टेप जरूरत ही नहीं पड़ी, सही बताए तो रागनियों में मटका लाइन में इतनी डांस की नीड होती नहीं है जी। जी, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन किन के साथ रहा महिला कलाकारों में? महिला कलाकारों में मेरे साथ, मतलब है तो मेरे से सीनियर ही थी 1-2 साल, राकेश शोरान। हाँ, और बाकी मोस्टली तो सारे ही मिल जाते थे, सरिता जी भी मिल रही हैं, पासी जी भी मिल रही हैं, सपना चौधरी जी भी मिल रही थी जब वो रागनी गाते थे उस टाइम पे, तो तकरीबन सारे ही मिल जाते थे। और एक प्रियंका कौशिक असली वाला, मतलब नो एक दूसरे की देख कर आंख भी जलेगा, आज तो नू कर रहा है। नहीं, मेरे साथ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि आंख जले, बाकी हमारे सीनियर थे, सरिता जी आती थी वो भी। हाँ, है कोई ऐसी महिला कलाकार जिसने
संगीता जांगड़ा को पर्सनली सपोर्ट किया, प्रोग्राम तक दिलवाए? नहीं, ऐसा तो ऐसा कभी महसूस हुआ किसी ने प्रोग्राम कटवाया हो? ऐसा तो बहुत बार हुआ है। वो तो आज भी चलता रहता है जी। अच्छा जी, बिल्कुल। तो मतलब दराती लेके बैठे रहे हैं? दराती लेके और महिला नहीं, जेंट्स कलाकार भी बैठे रहे हैं। अच्छा, कटवा दे हैं। मतलब ये तक हुआ है मतलब संगीता जी के भाई अगर संगीता होगी तो हम नहीं आऊंगी? बिल्कुल हुआ है। तो आपने उसको कैसे समझाया, उस पार्टी को, या आपने क्या किया? उनको बाद में अपने आप समझ में आ जाता है जी। हाँ, जैसे मान लो उन्होंने बुला लिया और कलाकारों को, मेल कलाकारों को बुलाया, उस दौरान मेरा नंबर नहीं आया, उन्होंने कटवा दिया। नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम मेरे पास आता है, वो लोग बताते हैं, मैं कहा भाई कोई बात नहीं, उन्होंने अपना कर लिया। तो क्या आपने दोबारा भी उन्होंने बोला भाई वो कलाकार भी बुलाना पड़ेगा जी, तो आपका क्या राय रहती है? बुलाओ जी, मेरी तरफ से कोई टेंशन नहीं है। पता नहीं वो क्यों मेरे से खौफ खाते हैं, मैं नहीं खाती। मैं तो ये बोलती जी, जिसका मन करे, जो आपको अच्छा लगे उसको बुलाओ, मेरी तरफ से खुली छूट। अच्छा, जैसे मान लीजिएगा कोई पार्टी से डायरेक्टली आपके पास आ गई और उन्होंने और भी कलाकार चाहिए हैं, तो आप किस तरह से नाम दे लेते हो, फलाने ने बुला ले, धकड़े ने बुला ले, ये कहते हो जिसको मर्जी बुलाओ? देखो, अगर पार्टी मेरे पास आती है, वैसे मोस्टली प्रोग्राम में खुद के ही लेती हूँ अपने पास से, तो डायरेक्ट पार्टी आती है या तो मैं पहले उनसे पूछिए आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो जी आप वो बताओ, मैं फिर उनको लेके आती, अदरवाइज आप मेरे पे छोड़ दो। तो अगर उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो मैं उनको ले जाती हूँ, अदरवाइज मैं अपनी तरफ से ले जाती हूँ। आजकल रूट में सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हो युवा कलाकारों में? युवा कलाकारों में युवा का नाम लो आप, फिर बताऊंगी नहीं मैं तो क्यों नाम लूं, आप जिनके साथ गाना पसंद करते हो उनका नाम बताओ। वैसे तो देखो पवन जी, अब जो माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो मैं प्रोग्राम अकेले ही करना अच्छा, मतलब अकेले ही प्रोग्राम ज्यादा आते हैं, मेरे से ड्यूट की डिमांड अब नहीं की जाती। क्या करते हो फिर अकेले? रागनिया सुना? रागनिया, हाँ, किससे? अब कितना सुना दो, एक प्रॉपर किस्सा उठा लो, कोई भी, कोई भी किस्से में 40-40 रागनी हो, 42-42, 45-50-50। नहीं, 40-40, 42-42 वाला दौर जा चुका है जी। तो 4-5 रागनी ही बात? नहीं, 4-5 तो नहीं होती जी, 10-12 रागनी तो आराम से हो जाती है, 15 भी हो जाती है रागनी। सुर कब टूटने लगता है, मतलब कितनी रागनियां गाने के बाद में ये लगने लग जाए गला थक गया? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, मतलब 3-4 रागनी इकट्ठे होने के बाद एक दो जैसे साजन के बीच में सुना देते हैं, उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब भी लोग कुछ गर्मा गर्म मांग लेते हैं प्रोग्राम में, बोल देते हैं संगीता जी कुछ श्रृंगार रस का सुनाओ। श्रृंगार रस की बतेरी रागनी है लक्ष्मीचंद जी की, जो पढ़ते मेरे को सुनाई जा सके, जो लोग अच्छी भी लग गए हैं सुना देते हो? सुना देते हैं। अच्छा, डड़ायाला दौर भी देखा आपने? मंडी गांव में जो मैंने बताया था ओडाई साइड दौर रहे अगर जी, डड़े भी आए हैं और डड़े खाने भी बड़े हैं। कभी लगा डड़ा भाई प्रोग्राम? हाँ बिल्कुल, और मैं नीचे बैठ के अपनी रागनी दोहराने लग रही थी, धड़ आया। अगले दिन इतने डड़े डड़े खागा, अगले दिन जाते के लग गया था जी। बढ़िया लग गया करता, वो डड़े भी फूल के समान लग गया करते। वो एनर्जी वाला काम करा करते वो भी जी जी। तो संगीता जी, मेकअप कितना करना पसंद करते हो जब प्रोग्राम? देख लो आप क्या गए, इतना ही करूँ। जब किसी फंक्शन में जाते हो, किसी प्रोग्राम, इतना ही होता है जी अपने। सेम। अच्छा, आजकल ना गाना बदलने लग रहा है, पहले गड़वा बंजू था, पक्का साज आ गया, आज पक्के साज के साथ डांस विद डीजे हो गया, तो वो प्रोग्राम भी करते हो? पक्के साज का अगर किसी की बहुत ज्यादा डिमांड होती है तो पक्के साज का कर लेती हूँ, डांस का तो अगर डांसर का बोलते हैं तो मैं ले जाती हूँ, अदरवाइज तो मैं तो जी रागनी चुना, अगर रागनी में जितना मेरा हल्का फुल्का जो मेरा होता है मैं वो कर लेती हूँ, उससे ज्यादा अगर डिमांड होती है ले जाते हो? हाँ, डिमांड है तो ले जानी पड़ती है पवन जी, ले जाते हैं। कभी खुद भी डांस किया ऐसे? डांस ही किया कभी? नहीं, ऐसा मैंने कोई कार्यक्रम नहीं कराया जी। के भाई गाना बजा के नाचे हो? नहीं, ऐसा भी कोई कार्यक्रम नहीं करे है, कभी नहीं आया ना, मन भी मैं मना कर देती हूँ, फिर आगे चाहिए वो बुलाओ मत बुलाओ, वो उनकी मर्जी है। क्या फीस रहती है आजकल एक प्रोग्राम की? फीस तो माहौल माहौल की बात है जी, प्रोग्राम प्रोग्राम की बात है। जैसे कोई भी है, मान ले किसी ने भी कॉल किया कि मैडम जी हमने प्रोग्राम करवाना है, तो कुछ तो डिमांड रहती होगी, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, क्या होता है? अगर देखो प्रोग्राम का मैंने कैसे आप समझे नहीं, जैसे अगर मुझे अकेले बुला रहे हैं या पूरी टीम, पूरी टीम का बताओ, मेरी टीम का हो जाता है जी 21 प्लस में कन्वेंस, 21,000 रुपए प्लस में कन्वेंस। हाँ, अगर 25,000, हाँ इतने हो जाते, मान जाओ इतना में मानना पड़े कई बार।
अच्छा, कंपटीशन का दौर किसा चल रहा है आजकल? बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारी महिला कलाकार भी आ गई हैं, युवा कलाकार भी है, साथ के साथ डीजे वाले गाने भी चल रहे हैं, तो दौर काफी मतलब संघर्षशील का है, तो कैसे चल रहा है? हाँ, एक बार फिर लग रहा है जी, बहुत स्ट्रगल वाला टाइम अब दोबारा से शुरू हो रखे हैं। कभी मान ले किसी प्रोग्राम के लिए एंट्री के लिए या फिर उस प्रोग्राम में खुद की एंट्री करवाने के लिए सिफारिशें कभी करवाई पहले या अब? नहीं, कभी नहीं करवाई? फैमिली ऐसा मौका मतलब आया नहीं है भगवान की दया से। में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? पहले तो देखो मेरी माता जी ने किया, उसके बाद में पापा जी भी मेरे साथ में जाते थे, अब पूरी फैमिली जाती है, जैसे भाई भाभी है वो भी पूरा सपोर्ट करते सारे हैं सारे। आप तो किधर बल्कि उनकी खुली छूट है कि आपका जो मन करता है आप करो, हम आपके साथ हैं। वैसे गाने वाने निकालने के लिए वो बोलते रहते हैं, मैं ये बोलती हूँ नहीं, मेरे को रागनी में ही रहना है। अभी शादी क्यों नहीं किया? शादी शुरू में मैं बताऊं पवन जी, एक दो बार जैसे रिश्ते विश्ते हुए हैं, लेकिन वो सोच वाली बात है कि सोच नहीं मिली। जैसे रागनी रागनी नहीं गाने, ऐसी डिमांड आई? भी छोड़ दिया था मैंने तो एक बार, तो रिश्ते के लिए कई बार बीच में घर वालों में भी प्रेशर में आके भी कार्यक्रम भी छुड़वाए हैं, भाई रहने दो अब एज हो गई शादी कर लो, रिश्ता भी हो गया था, लेकिन वो इतने बेवकूफ लगा लो या ज्यादा समझदार थे, उन लोगों को लगा कि मैं लॉकडाउन में भी कार्यक्रम करके आई हूँ। बताओ लॉकडाउन में दो आदमी इकट्ठे नहीं होते थे, तो उसमें बस वो छूट गया, फिर मेरा मन नहीं किया। अब कब करने वाली हो? अब नहीं करने वाले बिल्कुल, अब क्या दिक्कत आ गई? अब सोच बदल दी। बाबा तो ये तो वाह बात हो गई यार, तो बाबा बन बन जाएंगे। गए यही बात है। बिल्कुल है जी। लेकिन हम तो ये नहीं कहेंगे, फिर भी अभी तो काफी जिंदगी पड़ी है, सोचने वाली बात नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, ऐसा मुझे फील नहीं होता कि शादी करनी बहुत जरूरी है। है। अच्छा, शादी देखो, एक लेडीज शादी करती क्यों है? उसका नाम हो, है ना, घर वाले के साथ नाम जुड़े, भाई फलाने की बहू है, फलाने की छोरी, तो अब तो भगवान की दया से नाम कमा लिया है। आई थिंक मुझे डेट नहीं लग रही शादी साध में, भी बनम काजी करा मेरा लग रहा मैं जो बस वही रहना संगीता जांगड़ा के आगे बाबन लगन हो रहा भाई, के तो समझा लो घर के समझा लो ना, तो देख लो जी। ना भी तो घर वाले भी नहीं कहे बेटी तेरा जी करता हो कर लिए, ना जी करता तो कोई दिक्कत रागिनी जगत का खास कोई सबसे खास, चाहे महिला हो या जेंट्स हो, साजिंदा हो, जो सबसे ज्यादा टच में रहा, मतलब एक एज ए मित्र की तरह? नहीं। एजे मित्र मतलब जिसे गाइड करने वाला बताऊंगी मैं तो, जी आजाद जी ठीक थे, हो बात होती है। जाती हैं। अगर कोई रागनी पूछनी है या प्रोग्राम के बारे में भी पूछना है, कोई वार्ता पूछनी है, तो मैं आजाद जी से ही डिस्कस करती हूँ जी। चलो एक बात मैं ना थोड़ी सी अलग सी पूछ लेता हूँ, थोड़ी कड़वी है शायद। लोग पर्सनली लाइफ से भी पटरी से उतर जाते हैं, प्यार व्यार हो जाता है, जल्दी बैठ जाते हैं, वो उसके साथ ब्याह कर रही है, काफी चीजें हुई हैं, ये बहुत सारी कलाकारों के नाम में किसी का क्यों लूं, हाँ, तो संगीता जांगड़ा आपने सुना है कदे? मैं तो आपसे सुनूंगा ना जी। नहीं, आप पूरी रिसर्च करके आए होगे जी, इसी बात तो नहीं मैं दूसरों होगा। का किसी का नाम कभी नहीं लेता, नहीं आप नाम मैं नहीं लेते, पर आपका आपके सामने बोलता हूँ, बस देखो जिसके आप, पास बैठा हूँ उसी को बोलता हूँ। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं पवन जी, आप रिसर्च करके नहीं आए होगे, है नहीं, ना? मैं तो ज्यादा बाकी रिसर्च वाला हूँ ऐसा नहीं, कभी ऐसा आज तक तो नहीं हुआ जी भगवान की दया से, नहीं बैठे, ना कदे नहीं बैठे। जवानी से बाबा पढ़ते ही आगे, पर शायद बैठे वो नहीं, कहीं नहीं मिला होगा, काम में ज्यादा बिजी रहे। काम में बिजी, हाँ जिम्मेदारियों में बिजी बस। रियाज किस समय होता है या कब? पूरी जो ये अपनी म्यूजिकल लाइन रही है, इसमें रियाज सबसे इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है, हाँ बिल्कुल अपने करना पड़ेगा, तो बिल्कुल, वो अब तक कब तक किस टाइम करते आए या किसके साथ करते आए, ये क्या रहा? जैसे हम तो तकरीबन प्रोग्राम में जाते हैं तो गाड़ी में भी रियाज करते जाते हैं उस्ताद लोगों के साथ में, जी और घर पे भी बुला लेते हैं, जैसे घर पे आ जाते हैं। और अब पहले शुरू में बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, अब तो जैसे खुद से ही कर लेते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ संगीता जी कि प्रोग्राम तो है नहीं पर कति भीतरला पाठ पाठ आओ, गाना है गाना है, तो साजन तो फोन कर लिया, आ जाओ बगाऊंगे? हाँ भाई आ जाओ, बाकी ईब थोड़ा सा न्यू लग रहा है ना, तो पहले इतनी जरूरत नहीं होया करती, क्योंकि कार्यक्रम इतने होया करते, फुर्सत नहीं मिला करती। हाँ और नहीं अब भी कभी बुलाया है पार्टी को, आ जाओ यार आज तो गाने का मन है, सारे आ जाओ, हाँ पार्टी आ जाती है जी। कदे बिना पैसे भी आए हो पार्टी में चले गए, रोला मच गया, डले चाल गए। मैंने आप तो बताई थी मकान, बहुत बार जैसे हमें पता नहीं चला और धोखे से बुला लिया, मेरे को वहां का माहौल अच्छा नहीं लगा, तो मैं प्रोग्राम को छोड़ के आ जाती हूँ, वो बिना पैसे ही नहीं, तो आती पूरी हूँ। रात रागनी गा, कभी बगैर पैसा यार,
पूरी रात नहीं, आज तक ऐसा तो नहीं हुआ। बैग भर के कद ले आयो, सबसे ज्यादा पैसा कब आया? यो सवाल आप सब तो पूछो। बता दो फिर। बैग भर के जिसने ठाडा ठोक के गए हैं, गुड़गांव प्रोग्राम था, खूब पैसा आया। खूब तो जीवन में पैसा उड़ाया कितना, मतलब पैसे की वैल्यू कितनी समझी? बहुत ज्यादा है जी। तो आपने कितना नहीं उड़ाया? ना बेफालतू में उड़ाना कितना हुआ जी। ज्यादा पैसा आता मतलब बैग ज्यादा भर जाता। हाँ। तो जो साजन दे हैं उनको ज्यादा दिया जा रहा? बिल्कुल दिया जाता जी, क्योंकि मेहनत तो वो भी तो करते हैं हमारे साथ। परसेंटेज वाले थे या दिहाड़ी वाले? शुरू में परसेंटेज वाले थे, अब दिहाड़ी वाले हैं। अच्छा, खुद को क्या बजाना आता है, मतलब कौन सा साज साज खुद को भी बजाना आता है? थोड़ा बहुत हारमोनियम प्ले कर लेते हैं। कभी मटका बजाने की कोशिश करी एक लड़की होते हुए? मैंने सोचा था मैं तबला बजाऊं, मेरी बहुत इच्छा थी तबला बजाने की, बस वो मौका आया नहीं। सबसे बेस्ट किस्सा या सबसे ज्यादा फेवरेट आपका किस्सा कौन सा रहा जो सबसे ज्यादा गाया? पद्मावत। वो क्यों? क्यों का तो कोई जवाब नहीं, तो बस पर्सनली मतलब अच्छा लगता है मेरे को, उसको गाना अच्छा लगता है। हाँ। तो ज्यादा गाया? ज्यादा। मतलब जब कोई पार्टी ये कह दे कुछ गा किस्सा सुना, तो आप पद्मावत सुनाना पसंद करते थे? बिल्कुल। और बाकी तो माहौल देखा जाता जी, अगर काज का प्रोग्राम है, शादी का प्रोग्राम है, तो उस हिसाब से भी। अच्छा, पद्मावत की रागनी कोई एक सबसे बेस्ट फेवरेट कौन सी? तीन रोज हुए मैंने तड़पते। कभी सांग में गाने का मौका मिला? सांग में गाने का, सांग एक बार देखने का मौका मिला है जी, गाने का तो नहीं। कहाँ देखा था सांग? मैंने देखा था भिवानी के पास, तिगडाना गांव है, तिगडाना गांव में। जैसे आपने एक बात कही थी थोड़ी देर पहले कि परिवार वाले ये कह रहे कि भाई सॉन्ग वगैरह भी निकाल लो, मतलब गाने भी बनाओ। हाँ। उस फील्ड में हाथ क्यों नहीं आजमाई, मतलब आवाज क्यों नहीं आजमाई? हाँ, आवाज पता नहीं क्यों, मैं थोड़ा सा यूं चाह रही हूँ कि रागनियों को आगे लेके जाऊं। लेकर जाओगे कड़क हो गए रागनी तो सही चल ना, रागनी बढ़िया चल रही है तो भगवान की दया है, और शायद मेरा भी बाहर का मौका हो सकता है, चल रही बातचीत। जय बोले की आपका नाम लग गया सर, जल्दी नंबर लग गया, अच्छा रहेगा। तो कभी है मन वैसे कोई सॉन्ग? अगर मौका मिला तो जरूर करूंगी। तो मैं देखिए संगीता जी की बात आप लोगों ने सुन ली, अगर कोई अच्छा सा डायरेक्टर या कोई अच्छा सा राइटर आके संगीता जी को कोई अच्छी स्क्रिप्ट दे होगा तो तैयार है, बात यह है। हाँ बिल्कुल, अगर बढ़िया लगा तो बिल्कुल करें जी। कितना लंबा करियर हो गया? हो गया जी 10 साल आराम से। कितना मजा आ रहा है? बढ़िया, कच्चे कट रहे हैं। कोई शिकायत है इस लाइन से? ना शिकायत नहीं है, बस मटका लाइन को थोड़ा और प्रमोट करो, लड़कियों को बुलाओ जी, लेडीज कलाकारों को, पता नहीं क्यों जैसे थोड़ा सा माहौल है, मैं मानती हूँ लड़कियां कर रही है, लेकिन लड़कियां अच्छा कार्यक्रम भी कर रही है, अब उनको भी सुनो थोड़ा सा और बुलाने की कोशिश करो, मौका दो। डांस वाले को ज्यादा बुला लेते हैं आजकल, अब सीधी सीधी बोल रहे यार डांस वाली ये 2-3 सूत्री लंबी लंबी। डांस भी है थोड़ा सा, दोबारा से हटके हो गया डांस का थोड़ा सा क्रेज। आप कौन सा बेस्ट मानो हो, गाना है बढ़िया लगा कि डांस बढ़िया लगा? गाना बढ़िया लगा जी, तो प्योर होना चाहिए। आजकल जागरण रागनी सब कुछ चल रहा है। अभी मैंने मूवीज पास एक प्यारा सा इंटरव्यू भी आपने दिया गर्मी में, किसा लग गया? बहुत बढ़िया लगा जी पवन जी, सही बताऊं तो गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगती इस फील्ड में, मतलब गाने से रिलेटेड कोई भी चीज है ना, चाहे इंटरव्यू है प्रोग्राम है, नहीं लगता है गर्मी लग रही है, मैं कर सकूं इसी गर्मी में कार्यक्रम कर सकूं, है अच्छा लगेगा, पूरी एनर्जी, इतनी एनर्जी रहेगी। दोपहर हम गा सकूं? बिल्कुल गा सकूं, और दोपहर में नंबर आया करता मेरा तो तकरीबन एक डेढ़। हाँ, खुद भी कभी जाके मतलब जमाए प्रोग्राम में गाने में मजा आ रहा है, जाकर जमाने में मजा आ। मैं तो सही बताऊं पवन जी, मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है, जेंट्स कलाकार भी हुए और मैं अकेली हुआ करती, जेंट्स नहीं कहा करते उसका नंबर दो, शुरू भी मैंने कराया कई बार, मजा आ रहा। हाँ मतलब मेरी मानो क्या करती है, बेटी डरी है मत, जिसा नंबर आना उसा अपना बढ़िया करिए, मेरा शुरू में आ गया तो भी मैंने कोई दिक्कत नहीं, जमा जमा मिल गया तो भी दिक्कत नहीं, कति लास्ट में जब जय बोलन का नंबर आ गया तो भी मैंने कोई दिक्कत नहीं। अच्छा संगीता जी मैं एक बात कहूंगा सीधी सीधी, मान ले एकदम से आपके हाथ में एक पावर दे दी जाओ, कमांडेंट बना दिया जाओ आपको रागनी में, रागनी जगत में आपने कोई एक दो सुधार करना है तो क्या करोगे? अभद्रता को दूर करो, और कुछ कमेटी वालों से भी कहना चाहूंगी, आप अच्छे लोगों को प्रमोट करोगे ना तो अच्छे कलाकार भी अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, जो बुरा करने पे मजबूर हो रहे हैं, अगर आप लोग मतलब अच्छे कलाकारों को क्या कहते हैं वो साथ दोगे उनका, तो वो बुरे भी अच्छे होने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम उस टाइप के हो जाएंगे। हाँ, होना पड़ेगा। लेकिन एक रागनी लाइन में ना एक बड़ी बात है संगीता जी,
बड़े कलाकारों के मैंने इंटरव्यू लिए हैं, बादशाह साधु बन जाए। सारे नाम तो मैं किसका क्यों लूं, सारे हैंड के बाद में कहेंगे भाई ये बुंडा नहीं गाओगे भाई, ये बाबा बन गए, बाद में सन्यासी क्यों बने, ये बताओ जी भाई। मेरी बात कई बार ना लोगों को कड़वी लग जाती है। नहीं, बात आपकी सही है। देखो कई बार तो क्या होता है कि शुरू में आपको पता है, जैसे मैंने खुद भी पर्सनली मैंने दो तीन मैं बताऊंगा आपको, हम कहने का मतलब सीधा सीधा, जमने के लिए कुछ करो, जम के बाबे बन जाओ। जम के बाबे तो की बताऊं, वो उनकी समझ है जी। नहीं बने नहीं है क्या बहुत सारे? हाँ, जो पहले मतलब रागनी सी सी गाय काटी पर हटा ले, अरिम ने काम लेडी जाए गले नहीं गाते, ऐसा ही ना। हाँ, यही मैं कहना चाहता था कि भाई आप जमते हो बाद में। मेरा मानना ये है आपने फील्ड चेंज कर ली, चलो ठीक है, आप उस लाइन पे आ गए तो आप दूसरों को गलत मत बताओ, ये चीज बहुत गलत है, जबकि आप इस चीज से गुजर चुके हो, अपने सारे कांड कर लिए। हाँ, आप वो चीज मत करो, 900 एक आगे दिल्ले हज को चल ली। हाँ, सारे ठीक है। हाँ, मेरे बिल्कुल। जो मैंने कहा ना, भाई जमने के लिए हर कोई आदमी सारे काम कर रहा है, बाद में जम जा तुक्का बैठ जाए, मैं मार्केट में पैर जम गया तो मैं बाबा हूँ भाई साथ। आप बाबा बन गए, अच्छी बात है, लेकिन बाबा बनने के बाद दूसरों को तो गलत मत बताओ, ये अधिकार नहीं है आपको। सारे सही है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सारे सही है, अपनी जगह पे जो कर रहे हैं। तो संगीता जांगड़ा जी हमारे साथ जुड़ी थी भाई, और प्यारा सा एक इंटरव्यू, जैसे इन्होंने कहा था मीठा सा इंटरव्यू हमारे बीच में रहा। देखिए जी, मेरा काम है सवाल पूछना, अगर आपने कुछ भी गलत लगा उसके लिए सॉरी, और कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, लोग राय भी देंगे, क्वेश्चन पब्लिक के होंगे, सवाल अभिमन्यु मूवीज के होंगे दोबारा से। कोई बात नहीं जी, अभिमन्यु मूवीज देखने वाले दर्शकों ने भाई मैंने अपनी बात दिल अपना मन तो दिल खोल के बताई है, कोई बनावट नहीं थी। अगर किसी ने भी किससे डाल का कुछ भी थोड़ा बहुत बुरा लग गया हो, भावना ने ठेस पहुंची, तो मैं पहले हाथ जोड़ कर समा चाहती हूँ, क्योंकि वही बात है पवन जी, मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो दिल में आया वो बोल दिया, मन में पेट पाप नहीं होता कि भाई इसने, फिर भी अगर बुरा लगा तो मैं माफी चाहती हूँ आप लोगों को, आप लोगों से। हमें जो इसी गर्मी में अपना समय दिया, स्पेशल आप आए और जो पूछा उसका भी बाकी से जवाब भी दिया, तो धन्यवाद जी आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। वैसे ये इंटरव्यू 1 साल पहले होना था, लेकिन बस मैंने बताया ना हालत थोड़ी सी, तबीयत मेरी ऐसी चलती रहती है, पिछले साल पूरा ही ऐसा निकल गया मेरा, दवाइयों के सहारे ही, बीमारी के साथ साथ, अब भगवान की दया से ठीक हूँ, और देरी हुई उसके लिए माफी चाहते हैं भाई। ठीक कर चाहिए और स्वस्थ हो जाओ, और दोबारा स्टेज ने तोड़ करो कति अंदर हर भाई वीडियो ने शेयर कर दिया करो दोस्तों, दबा के शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल ने, कमेंट लिख के भेजा करो, बढ़िया काम कर रहे हैं पवन जी, ने सपोर्ट भी करा करो, और बस शेयर करते ना कि मैं सारा दिन फोन कर लागे रहो, क्या होगा, मड़ा शेयर भी कर दिया करो। राम राम ठोक दो संगीता जी एक हमारे दर्शकों को। राम राम जी सारे ने, फिर तो एक बार अभिमन्यु मूवीज की तरफ से और संगीता जांगड़ा की तरफ से, दोनों की इन्होंने कर दी भाई। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।